जय हिंद स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए हैं एक्सरसाइज 2.3 के। क्वेश्चन है ऑन डिवाइडिंग एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल जी ऑफ एक्स, द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर एक्स माइनस 2 एंड माइनस 2x प्लस 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड जी ऑफ एक्स। वो बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल है जिसको हम अभी पी ऑफ एक्स बोलेंगे, उसको जब जी ऑफ एक्स नाम के पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तो उसका क्वेश्चन और रिमाइंडर आता है एक्स माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4। तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, यानी जिससे हमने डिवाइड किया है वो कौन सा पॉलिनोमियल होगा, वो हमको बताना है। ठीक है, अब मैं पहले पी ऑफ एक्स लिखता हूँ। लेट पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 इज डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स सो दैट क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 2 एंड आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4 आर रिस्पेक्टिवली द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। यानी हम बोल रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स बोलेंगे जिसको जी ऑफ एक्स नाम के पॉलिनोमियल से डिवाइड करने के बाद क्वोशंट और रिमाइंडर रिस्पेक्टिवली क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स मिलते हैं। अब अगर ऐसा है हम जी ऑफ एक्स कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे डिवीजन एल्गोरिदम। ओके, डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है, हम लोगों ने इसके पहले देखा हुआ है, हम वही यूज़ करेंगे यहाँ पे। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिदम वी हैव P of x is equals to g of x into q of x plus r of x। ये याद आया आपको? अब यही हमने क्यों अप्लाई किया, क्योंकि P of x का g of x और q of x और r of x के साथ यही एक रिलेशन है दुनिया में। ठीक है, अब यहाँ से हमको अगर g of x पता करना है तो q of x और r of x को हमको उधर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो पहले इसको इसी फॉर्म में ट्रांसपोज कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग उसके वैल्यूज पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि p ऑफ x जहाँ पर है वहीं रहेगा, r ऑफ x इधर एडिशन है उधर जाएगा, सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, तो माइनस r ऑफ x रहेगा इज इक्वल्स टू आप लिखोगे g ऑफ x मल्टीप्लाइड बाय q ऑफ x। फिर भी g ऑफ x सेपरेट नहीं हुआ है, हमको q ऑफ x को शिफ्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन के ऑपरेशन से उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा देयरफॉर p ऑफ x माइनस r ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब जी ऑफ एक्स सेपरेट हो गया, ये वाला फॉर्मेट हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पर हमको पहले वैल्यूज पुट करनी है पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स की। सो लेट अस पुट, तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स आएगा एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2 माइनस, ये वाला माइनस मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आर ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है हमारे पास में, माइनस 2x प्लस 4 माइनस 2x प्लस 4 डिवाइडेड बाय q ऑफ x, तो यहाँ पर q ऑफ x क्या आएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू अगेन g ऑफ x, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ओपन दी ब्रैकेट, तो आएगा x क्यूब माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2, तो फिर से g ऑफ x आ गया यहाँ पे। अब इसमें लाइक टर्म्स अगर हैं तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको दिखाई दे रही है ये दो लाइक टर्म्स हैं और ये दो लाइक टर्म्स हैं, सो अगेन विल सॉल्व इट। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखेंगे कि एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 2x इज प्लस 3x प्लस 2 माइनस 4 इज माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 इज इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स। अब यहाँ फाइनली अब हमको जी ऑफ एक्स तभी मिल पाएगा जब आप ऊपर के पॉलिनोमियल को नीचे के पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे, जिसके लिए हमको लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, उसके सिवा सॉल्व नहीं होगा।
बट यहाँ पर जो ट्विस्टर था वो ये था। यहाँ पर हम लोगों को समझना पड़ेगा कि जब उन्होंने पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स और आर ऑफ एक्स के रिलेशन में से ये चार टर्म्स में से कोई भी तीन चीज़ें हमको दी हुई है, फोर्थ चीज़ अगर हमको पता करनी है तो एवरी टाइम विल बी अप्लाइंग दिस रिलेशन। अब यहाँ पर हम लोगों को वन, टू और थ्री, ये तीन चीज़ें दी थी। वी नीडेड टू फाइंड जी ऑफ एक्स, तो हमने पहले उसको जनरल फॉर्म में ही सिंप्लीफाई किया। देन वी गॉट दी वैल्यू ऑफ जी ऑफ एक्स, वी पुट दी वैल्यूज ऑफ इंडिविजुअल यहाँ पे पॉलिनोमियल्स, देन वी सिंप्लीफाइड इट। नाउ वी आर हियर, नाउ वी नीड टू हैव दी लॉन्ग डिविजन एंड वॉट एवर मे बी द क्वेश्चन ऑफ इट विल बी जी ऑफ एक्स। इन दिस केस द रिमाइंडर विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, बिकॉज हम लोगों ने उसको सॉल्व कर लिया है। ओके, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू अभी यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बाद ही आएगा। ठीक है, अब वो सॉल्व करने के लिए मुझे यहाँ पे जगह खाली करनी पड़ेगी, सो आई एम इरेजिंग दिस। आप लोग इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, अब हम डिवाइड करते हैं इसको। ओके, एज यूजुअल एक्स क्यूब को एक्स से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा। अभी आई होप कि आपको अब इतना सारा चीज़ें तो समझ में आती है डायरेक्टली अगर मैं करता हूँ तो। ओके, एक्स स्क्वायर से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस किया, साइन चेंज, प्लस टू माइनस, माइनस टू प्लस, एक्स क्यूब गॉट कैंसल्ड, प्लस माइनस, माइनस का ऑपरेशन, साइन बड़े नंबर की, थ्री में से टू गया वन एक्स स्क्वायर, बाकी जो बचा वो नीचे उतरेगा। फिर से इसके फर्स्ट टर्म को इसके फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करो, देखो क्या आता है, ये आपके लिए है। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव एक्स, तो यहाँ हमने लिखा नेगेटिव एक्स मल्टीप्लाई विद माइनस एक्स, तो ये आएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू इंटू एक्स इज टू एक्स। फिर से सब्ट्रैक्शन, साइन गॉट चेंज्ड, ये कट गया, थ्री एक्स माइनस टू एक्स इज एक्स माइनस टू, अगेन एक्स माइनस टू का फर्स्ट टर्म एक्स है, एक्स को एक्स से डिवाइड किया तो आंसर वन आता है, वन से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आंसर आएगा। सब्ट्रैक्ट किया, साइन गॉट चेंज, अब ये दोनों अपोजिट साइन के, ये भी कटेगा, प्लस टू माइनस टू भी कटेगा और रिमाइंडर आ जाएगा जीरो, जो हमने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जो क्वेश्चन आया है दैट इज योर जी ऑफ एक्स, बिकॉज जी ऑफ एक्स वॉज एक्चुअली द रिजल्ट ऑफ दिस डिविजन। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे देयरफॉर जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इस तरह से जब आप इसको पूरा रजिस्टर के अंदर में अपने कॉपी डाउन करोगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करोगे, तो आपको पूरा प्रॉब्लम जो दिखेगा तब आपको डिटेल समझ में आएगा कि हाँ ये ऐसा हुआ है, हमने ऐसा ऐसा किया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। उसके अंदर सॉल्व करने का तो कुछ है नहीं एज सच, ठीक है, फिर भी हम देख लेंगे, उसमें एग्जाम्पल्स ही देने हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस थोड़े ओपन एंडेड होते हैं, तो इसके लिए उसके आंसर्स ज़रूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है, यहाँ तक के आंसर्स परफेक्ट है। अगर क्वेश्चन नंबर 5 मैं समझता हूँ कि नहीं बताना चाहिए तो मैं डायरेक्ट उसको स्किप करके एग्जाम्पल नंबर 2.4 पे पहुँच जाऊँगा, एक्सरसाइज नंबर 2.4 पे पहुँच जाऊँगा, जो कि ऑप्शनल एक्सरसाइज है। ठीक है, तो तब तक आप लोग इस प्रॉब्लम को अच्छे से समझ लीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय, टेक केयर, जय हिंद।